भारत माता की जय। भारत माता की जय। और यहाँ पर बच्चे लोग फौड़े से घास को साफ करते हुए, यहाँ भी मिट्टियाँ तो काफी ज्यादा है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और हमारे सभी NSS के स्वयंसेवक उठ चुके हैं, जो कि यहाँ पर अभी 2 लोग हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो और लोग आए हैं बाहर के समय के लिए। तो ये हम लोग का, देखिए हम लोग का रूम है जो कि प्राइमरी स्कूल है, और इधर सर चारों तरफ बेंच है, और इधर हम लोग बैगों सब रखे हैं और यहीं पर हम लोग सोते हैं। जैसा कि हम लोग NSS में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और भाई से जुड़ने का मौका मिला है, और आगे का NSS में हम दिखाएंगे क्या क्या होता है। आज भाई से मिलकर बहुत खुशी हुई, जैसा कि मित्र ने हमको आज ब्लॉगिंग करने का मौका भी दिया। आज तो पहला वीडियो हो सकता है हमारे लिए, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, लेकिन कुछ अच्छा ही रहेगा। आप सबको NSS की पूरी जानकारी दी जाएगी, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अब हम अपने रूम से बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा बहुत हल्की है, जिसमें हम अभी टोपी का सहारा ले, लेकिन भाई साहब को तो थोड़ी ठंड नहीं लग रही है। देखते हैं कि हाफ टी शर्ट पर ही निकल चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमारे लिए चाय वगैरह की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ खाना भी बना था शाम को। लेकिन देखिए अब आगे दिखाते हैं आपको, जैसा कि हम लोग फील्ड में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं फील्ड हमारा, हमारे दो सर लोग खड़े हुए हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है और अब जा रहे हैं ब्रश करने के लिए और नहाने के लिए। और हाय दोस्तों, देखिए जैसा कि हम लोग अभी एक्सरसाइज किए हैं, वार्म अप हो चुका है और शरीर बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त हो चुका है। अब चलते हैं ब्रश व्रश करने आगे का। अब देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर 7 दिवसीय, यहाँ जो श्री मुरली मनोहर टाउन सनकोत्र महाविद्यालय के द्वारा हमारे जीरा बस्ती उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगा हुआ है, जो हनुमानगंज बलिया पड़ता है। और आप हमारे जहाँ पर ठहरे हुए हैं उसका फील्ड देख सकते हैं चारों तरफ, वहाँ कुछ दूरी पर खाना तैयार हो रहा है और सर और भाई लोग जा रहे हैं। और मेरे फील्ड को देखिए, भाई साहब बोतल पकड़े हुए हैं, और ये रहे हमारे चैनल के। तो फाइनली गाइस, मस्त नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं अपने फील्ड में, और फील्ड की हम लोग ये चारों तरफ सफाई करना है। दोस्तों कुछ समय NSS का बीत चुका है और देखिए सभी बच्चे धीरे धीरे यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग भाई लोग नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छा नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें चाय और चने का व्यवस्था किया गया है। अभी देखिए सर लोग बैठे हुए हैं, आगे के कार्यक्रम अभी स्टार्ट होगा, जिसमें सभी बच्चे यहाँ से गांव प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर जो है कि निरीक्षण किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जहाँ पर ठहरे हुए थे उस विद्यालय से हमारा कैंप निकल चुका है, और बच्चे यहाँ दूसरे गांव में प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर देखिएगा क्या होता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। NSS ने ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। NSS ने ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। NSS ने ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाय दोस्तों, आप देख सकते हैं कि NSS के बच्चे गांव में एंट्री कर चुके हैं, और यहां पर एक बरगद का पेड़ मिला हुआ है और पास में मंदिर है जिसमें एक सफाई चल रही है, और यहां पर कुछ समय तक सफाई चलेगी। और आप देख सकते हैं कैसे सफाई हो रही है NSS बच्चों के द्वारा। यहां पर लड़कियां झाड़ू से सफाई करते हुए, और यहाँ पर बच्चे लोग फौड़े से घास को साफ करते हुए, यहाँ भी मिट्टियाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भाई आप करो गुड। तो फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ मंदिर की सफाई कर लिया है और फिर हम लोग जाने वाले हैं आगे। तो फाइनली गाइस, हम लोग कैंप पर आ चुके हैं और जा रहे हैं, और थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद थोड़ा कुछ खाना खाएंगे।
पानी चला, पानी थोड़ा चला दो आप लोग इधर। दवा कोई बाकी नहीं ना है। हम लोग ने खाना वाना खा लिया है और आ चुके हैं अपने रूम में और एक दोस्त से पूछते हैं, तो बताओ खाना अच्छा कैसा था? बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट था। आज के दोपहर के खाना में हमको चावल दाल और चने की सब्जी मिली हुई है। बहुत ही अच्छा खाना लगा खाकर, तो अब हम लोग थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद हम लोग शाम को फिर मिलेंगे रिटर्न वापस।